तो पकड़ना रमेश जी, फोटो काम रमेश जी याद रमेश जी क्या लो क्या अरे दादा है कौन है गार्ड साहब सुंदर उसको एयरपोर्ट का लेंस था उसके अगेंस्ट में उसने कैमरा दिया तो मतलब फिर मतलब इसका रिप्लाई आया तो फिर मैंने उससे फ़ोन पे भी बात किया तो बोला सर बोला ऐसे ऐसा मैं ले रहा हूँ हरीश जी सर थैंक यू सर सर दर सर सर दिस कॉर्नर सर सर इस कॉर्नर सर कैप सर यहाँ पे सोलो पिक्चर सर यहाँ सर यहाँ पे देखे जाए यहाँ पर आपके राइट में सर सर यहाँ पे सर सर सेंटर राइट सर सर राइट में सर सर सेंटर धर्म जी राइट साइड शर्मा जी सर राइट में एक बार चलो ओके थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर मीडिया की फोटो बन लीजिए सर वन मोर सेंटर चलो अंदर मैडम आप यहाँ से आ सकते हैं या वहाँ से भी जा सकते हैं सेंटर राइट सेंटर अरे गुर्रा सर रुका रुका सर 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 अरे मागे ना निकेश एवढं पुढे कशाला झालं सर इधर सर निकेश निकेश मागे सर यो काल काय झालं सर यो सर यहाँ पे अरे थांबा निकेश बहुत बड़ा आइए धर्म जी ये देखा आना बैठ आइए ना आइए आइए उत्कर्ष को बुलाओ उत्कर्ष अच्छा आप शुरू तो करो शुरू तो जब तक शुरू करो क्वाइट रूल ऑफ कैमल है।
आज उत्कर्ष धर्म जी के इधर है। नहीं नहीं, ये यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ। हटो हटो हटो, हाँ जी हाँ, वेट, पीछे बंद करो सब। क्वाइट, साइलेंस। हाँ जी हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि धर्म जी आए, हेमा जी आए, और मेरी ये जीनियस फिल्म जो शुरू हो रही है इसके लिए इन सब का इनका आशीर्वाद मिला। जावेद साहब आए, बहुत सारे लोग आए, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और धर्म जी से चाहूँगा कि उत्कर्ष को वो इंट्रोड्यूस करें। सर थोड़ा सा पसीना है, पहुँच दूँ मैं? माइक। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो कि अनिल शर्मा का बचपन मेरी गोद में गुजरा है। फिल्मी दुनिया के पलने में पांव रखा। अरे चुप हो गए आप लोग। इन्होंने फिल्म बनाई थी मेरे साथ, हुकूमत बहुत अच्छी चली गई थी, बहुत अच्छी चली थी मेरे ख्याल से। उसके बाद ये जुड़ गया कि अच्छा इंसान भी था, तो अच्छे इंसान मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ। वैसे तो हर किसी से जुड़ जाता हूँ, मेरी आदत है जुड़ जाना, चाहे वो कैसा भी हो। आज हमारे बेटे का फिल्म का मुहूर्त है, जीनियस। मेरी दुआ है कि ये जीनियस बन के ही उभरे, खूब तरक्की करे। गॉड शुड ब्लेस हिम विद बेस्ट ऑफ एवरी बेस्ट इन लाइफ। अपने पाँव जमीन पर रखे, अपना सर झुका के चले, शोहरत को पेपरों पे उड़े नहीं। कभी दिल में जगह बनती है, जैसे जैसे मैंने बनाई है, दिलों में जगह बन गई ना। अभी शोहरत को मैंने छोड़ दिया, शोहरत किसी की छोड़ दी, लोगों के दिलों में जगह बन गई, तो वो निकाल नहीं पाते बेचारे। काश कोशिश भी करें तो भी निकाल नहीं सकते। इसी तरह दिल में जगह बनाओ, खूब काम करो, खूब मेहनत करो। सर आए मैं तो आप दोनों आज अनिल शर्मा जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वो अपने बेटे उत्कर्ष को हमारे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जीनियस फिल्म के द्वारा। तो हम सब इसलिए यहाँ पर इधर आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। और अनिल शर्मा जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब वो बर्निंग ट्रेन में भी BR असिस्टेंट बने हुए थे, तब से उनकी एक इच्छा थी कि पिक्चर बनाना। बट एंड ही बिकेम ए वेरी गुड वंडरफुल डायरेक्टर इन कोर्स ऑफ टाइम, एंड टुडे ही इज लॉन्चिंग हिज सन। सो इन द होराइजन ऑफ बॉलीवुड इज गोइंग टू बी ए न्यू स्टार कमिंग अप विथ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ एम्बिशन। सो आई प्रे टू गॉड दैट ही गेट्स ऑल हिज ड्रीम्स फुलफिल्ड। God bless him. My love and blessings to both of you, father thank and you, son. Thank you. Thank you. Thank you. स्वच्छता को ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही थी, खुदक रहा था क्लैप देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बेटे को शुरुआत मिल गई है। मेरा बेटा ही है, ये भी बेटा है, ग्रैंड सन हो गया, तो अच्छा लग रहा था। करण ने भी अभी एंट्री की है, सनी साहब ने मीट भी किया, जरा उनके बारे में भी कुछ बताएं। बहुत फक्र का दिन होगा आपके बारे में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दे हैव कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट देम टू फ्लाई विद देयर ओन कॉन्फिडेंस। उनके पास उनका कॉन्फिडेंस है और मैं खुश हूँ उनके पास कॉन्फिडेंस है, और मैं दुआ करता हूँ कि कॉन्फिडेंस से वो बढ़ते रहें। मेरे लिए ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि किसी भी पिता के लिए एक पुत्र को लॉन्च करना बहुत बड़ा दिन होता है। जैसे मेरे पिता ने मुझे किया था श्रद्धांजलि से, ऐसे आज ये मेरे लिए बहुत 19 महीने से मैं जीनियस स्क्रिप्ट पे लगा रहा, और
उत्कर्ष 4 साल के लिए US गया, गदर में इसने जीते का रोल किया था, तभी मुझे लग गया था कि ये अच्छा एक्टर है। और उसके बाद ये 4 साल अमेरिका पढ़ के आया, तो बस पिछले 2 साल से मैं इसी की तैयारी कर रहा था। इट्स अ बिग डे फॉर मी, और ये बिग डे और बड़ा बन गया। धर्म जी आ गए, हेमा जी आ गए, एंड आप सब लोग आ गए। आप सब लोगों की उपस्थिति ने मेरे इस दिन को और बहुत बड़ा बना दिया है। थैंक यू वेरी मच। आज बर्थडे भी था, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट यू कैन से लाइक योर डैड गिव यू, आपने अपने बेटे को सबसे बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया है। जन्मदिन में खूबसूरत ऐसा तोहफा हर बाप बेटे को दे यार। हां बिल्कुल, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, कौन नहीं बनना चाहता? आप सब ने बताइए कौन नहीं बनना चाहता था? बनने एक्टर ही आते हैं यहां पे। ऐसा बाप भी चाहिए, नसीब में नहीं होता। अनिल शर्मा जैसा नसीब को दुआ देते हैं कि आगे बढ़े। सर प्लीज नो पॉलिटिक्स, ओनली रिलेटेड जीते। किस तरह की है कुछ बताना? नो हाउ मच आई लव मीडिया, लेट द लव बी इंटैक्ट। फिल्म के बारे में एक ही लाइन कहूंगा, इट इज़ अ बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड, दिल की लड़ाई दिमाग से। अभी फिल्म शुरू हुई है, फिल्म को शुरू होने दीजिए, और शूटिंग अभी आज से शूटिंग चालू है, दिसंबर तक खत्म होगी। उसके बाद जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज पे होगी, तो हम फिल्म के बारे में बात करेंगे। उत्कर्ष पहले आप बोलेगा, ये मेरा वादा रहा, जब तक अच्छी तरह कंप्लीट करेगा इसको रिलीज नहीं करने दूंगा, तभी रिलीज। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहो, जीते रहो, लव यू। आइए सेंटर में सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर कितने ऊपर लेके जाएंगे? ले लो भाई, अभी हमने कुड़ी को आप धक्का दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? थोड़ा पीछे अरे क्या कर रहे हो यार, दो बार में कर लो यार, यहाँ से तो ले लो। अच्छा ये सवाल आप 100 लोगों से पूछते हैं फिल्म के बारे में, ये सवाल सुन बोल बोल के पूछ के पक नहीं जाते आप सर? सर लेकिन आपने पीछे सालों के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंह साहब के बाद पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम तो उतनी जीनियस फिल्म ले ली तो उसमें तो इंटेलिजेंसी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, समय लगाया, मेहनत की, कोशिश करके बहुत बड़े इसकी पढ़ाई है, और मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो अब उसकी शुरुआत है, जो कोई मेहनत करनी है बीज है उसको तो टूटना भी है, तभी तो पेड़ निकलेगा, दबना भी है, कैसे निकलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसी में। भाई मैच होना चाहिए और भारत जीतना चाहिए। सर आपसे जानना चाहूंगी, सलमान या धवन दोनों से किसको बड़ा स्टार मानते हैं? क्वेश्चन आप पूछते हैं, सलमान अपनी जगह है बॉलीवुड में, जो प्रभास साहब है वो अपनी जगह है, उन्होंने जो बाहुबली की है वो बाहुबली है, ऐसा नहीं है सलमान खान ने इतनी बड़ी हिट फिल्में ली कि उन्होंने भी कहा होना प्यार और मैंने प्यार किया, समय समय की बात है, ऐसा नहीं है कि ये तो समय समय पे कोई फिल्म आ जाती है इससे मेरी कदर आई,
265 करोड़ का बिजनेस था, आज के हिसाब से 5000 करोड़ का बिजनेस है। तो उस हिसाब से हम सनी की बात करते हैं, ट्यूबलाइट देखिए ये सब बातें मैं नहीं कंट्रोवर्सी में मुझे फंसाऊ मत। अच्छी होगी फिल्म तो जरूर टूट सकती है। मेरे हिसाब से तो बाहुबली का भी कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं है 1500 करोड़ का। मैंने बोला ना कि गदर ने 2001 में जब 25 रुपये की टिकट थी 265 करोड़ की थी, उस हिसाब से आज वैल्यूएशन करें तो 5000 करोड़ है, यानी कि बिजनेस तो 5000 करोड़, अभी तो सिर्फ 1500 ही पहुँचा बिजनेस, अभी हुआ था हमें तो उसके तो बिल्कुल नहीं है। किस चीज़ की उत्कर्ष का डेब्यू तो एक्चुअली गदर में हो ही गया जीते के बिना, और कभी भी उसने इतना अच्छा किया, अभी भी आज देखो मोहरत शॉट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे तो कोई नर्वसनेस ना उसको है। नर्वसनेस एक समय पर होती है, बताऊँ कब होती है नर्वसनेस, तब होती है जब स्क्रिप्ट बन रही है। 2 साल हम सोने नहीं पाए, सोने नहीं दिया इसे स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट बन रही है अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नर्वसनेस मत होती है। मालूम है बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, लेकिन बनेगी क्या बनेगी क्या, अगर मैंने 17 फिल्में बनाई हैं, 17 में से 15 हिट हैं और 2 नहीं चली हैं, तो वो स्क्रिप्ट भी तो मैंने ही बनाई ना, मूवी तो मैंने ही बनाई ना, तो इसीलिए जिस दिन स्क्रिप्ट सही बन गई उस दिन नर्वसनेस खत्म। सर एक सवाल है, का जो बीच है उसमें से 5 मिलियन बड़ी सुंदर बात है, ये सब तो होते ही होना ही चाहिए कि आज किया गया, इसको कुछ साल पहले किया जाता तो और बेहतर होता। ये इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, इट इज टू अर्ली। देखिए ऐसा है कि जो दूरियां बन रही हैं कोई रास्ते ऐसे बनेंगे दूरियां कम, क्योंकि एक दोनों को एक दूसरे के पड़ोस में भौगोलिक स्थिति बदल रही है, या तो फिर परमानेंट बदलनी पड़ेगी, या तो फिर परमानेंट भौगोलिक स्थिति बदल दो तो चीज़ें राइट हो जाएंगी, लेकिन अभी तो नहीं बदल सकती। वो ये देश है हमारा, दोनों की सरहद मिली हुई है, दोनों की सरहद मिली हुई है, दोनों को एक दूसरे के संग साथ रहना है, तो प्यार मोहब्बत से रहें तो बेहतर। इंडस्ट्री की नहीं, मुझे लगता पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि क्या है उत्कर्ष के साथ क्या है कि जीते जो गदर का जीते हैं उसको आप अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, भटिंडे में जाओ, कहीं भी जाओ, जीते और गदर को सब कोई पहचान रहा है। बहुत क्यूरियोसिटी है कि जीते और गदर अपने साथ किस तरह का परफॉर्मेंस उसके लोगों ने बच्चों ने देखा है, दिलों में वो उतरा हुआ है, तो डेफिनेटली उससे बहुत सारी उम्मीद है लोगों की और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चा है अब उसके कंधे पे हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डालेंगे तो हम उस पर न्याय करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।